नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका और बॉइंग यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप लोगों का होस्ट राहुल और लेकर आया हूं आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा बट इंटरेस्टिंग सा वीडियो सेशन अबाउट द न्यूली लॉन्च्ड Hyundai Tucson के बारे में। अब देखिए टॉप 5 रीजंस, मतलब कि टॉप 5 रीजंस टू कंसीडर द Hyundai Tucson, इसी के बेसिस में आज मैं वीडियो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ। सो ये वीडियो छोटा होगा लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और वीडियो को पूरा देखने के बाद ही लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करिएगा। तो चलते हैं वीडियो के अंदर, शुरू करते हैं आज का ये छोटा सा बट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाला वीडियो सेशन अबाउट द न्यूली लॉन्च्ड Hyundai फ्लैगशिप एसयूवी, जिसका नाम है द Tucson। अब देखिए इसके कुछ पांच मेजर रीजंस है। देखिए पांच मेजर रीजंस क्या है इस गाड़ी को कंसीडर करने के, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भाई इस गाड़ी का पहला रीज़न है, मतलब इस गाड़ी को खरीदने का पहला एंड द वेरी फर्स्ट रीज़न जो कि है इस गाड़ी के लुक्स। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्यूचरिस्टिक, अमेजिंग एंड काफ़ी सारे लोगों को भाएगी फ्रॉम द अर्लियर जनरेशन मॉडल्स को देखते हुए। ये वाली जनरेशन इस क्लास अपार्ट, ठीक है। चाहे आप फ्रंट देखिए, साइड देखिए, रियर देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस गाड़ी की जो एक वीडियो एवी चल रही होगी, आप लोगों को पता चलेगा भाई ये गाड़ी कितनी ज़बरदस्त है लुक्स के मामले में। और Hyundai की जो नई सिग्नेचर ग्रिल, मतलब सिग्नेचर ग्रिल्स है जो अभी क्रेटा, इवन वेन्यू, इन सब में भी देखने को मिला है, तो ये एक्चुअली में क्रेटा और Tucson के लिए ज़्यादा अच्छी लग रही है। बल्कि जो वेन्यू उसके साथ थोड़ी सी मिसमैच ट्यूनिंग लग रही है, जो नई ग्रिल अभी वेन्यू में आई है आफ्टर द फेसलिफ्ट। देखिए ये गाड़ी फ्रंट से एकदम स्टाइलिश है, और जो हेडलाइट और DRLs का इंटीग्रेशन है स्क्रीन पे देख पा रहे, बड़ा ही प्यारा किया गया। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इतना नीटली डिज़ाइन किया कि कोई भी बंदा बता ही नहीं सकता कि यार ये DRLs है या पूरा ग्रिल का एक हिस्सा है। सो अ कमेंडेबल जॉब बाय द डिज़ाइनर्स ऑफ द Hyundai मोटर्स, और इस चीज़ के लिए मैं उनको, मतलब गाड़ी को ही एक्सटीरियर्स के तौर पे मैं इसको दूंगा 9.8/10। अब दूसरी चीज़ जो कि है इस गाड़ी में मिलने वाले फीचर्स, न्यू एज कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स एज वेल एज सेफ्टी फीचर्स एज वेल एज कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस के तो है ही है। गाड़ी में बहुत अलग अलग फीचर्स दिए गए, जैसे कि हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, पैनारोमिक सनरूफ, मतलब कि आपके पास वायरलेस चार्जर भी है, ठीक है, ऑल न्यू इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और इसमें आपको क्या बोलते हैं अल्कज़ार वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, स्टेयरिंग आपका वही क्रेटा वेन्यू, मतलब डी कट स्टेयरिंग व्हील आपको ज़्यादातर Hyundai की गाड़ी में देखने को मिलेगा। अब गाड़ी के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि मैं बताया ना इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट है, पैसेंजर एंड को पैसेंजर वाला वो आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सेकेंड रो इट्सेल्फ, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट बोलते हैं ना, सफारी में बॉस मोड आता है वही चीज़ आपको इसमें भी दिया गया, लेकिन इन एन इलेक्ट्रिक वे, वहाँ पे एक मोटर फिट कर दिया है ताकि सीट आप इजीली आगे पीछे कर सके पीछे से बैठते हुए। अब देखिए गाड़ी में आपके पास कीलेस एंट्री, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ठीक है ना, और गाड़ी में बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आते हैं तो सेफ्टी के पर्पज से भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। 6 एयरबैग्स आते हैं आपको, ABS+EBD VSC, मतलब जिसको बोलते हैं व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट भी आता है आपको, हिल डिसेंट कंट्रोल है, हिल स्टार्ट असिस्ट आता है, ठीक है, ब्रेक असिस्ट है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, और गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है फीचर्स के तौर पर। तीसरी चीज़ है, मतलब थर्ड चीज़ जो कि है सेफ्टी, ग्लोबल लेवल पे इसको 5-star की सेफ्टी मिली हुई है, चाहे आप ऑस्ट्रेलियन एनकैप देखिए या फिर जो यूरोपियन एनकैप, जो कि मतलब ग्लोबल एनकैप से उनके जो नॉर्म्स वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट एंड स्ट्रिक्ट है, और इसी तर्ज पे इस गाड़ी को ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया। एक्चुअली ये गाड़ी इंटरनेशनल मॉडल ही है, बस इसको इम्पोर्ट किया जा रहा है, मतलब इसके कुछ थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ये गाड़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनी हुई है, इस वजह से इसमें आपको सेफ्टी भी ग्लोबल लेवल की देखने को मिलेगी, नॉट अनलाइक द क्रेटा और द i20 या फिर जो किया सेल्टॉस या किया कार्निस वाला हाल है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे टॉप नॉच की बिल्ड भी देखने को मिलेगी। अब वो चाहे आप इंटीरियर की अगर आप प्लास्टिक मटेरियल्स की क्वालिटी देखो या फिर एक्सटीरियर की जो मेटल फिनिश है वो देखो, अंडर बॉडी फिनिशिंग देखिए गाड़ी की, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, मतलब ज़बरदस्त बिल्ड के साथ ये गाड़ी को बनाया गया फॉर द इंडियन कंज्यूमर्स, और कई सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया सेफ्टी में, ठीक है ना, आपके पास लेवल 2 ADAS भी मिलता है जो कि
Hyundai की अभी तक की किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिला है, लेकिन इसके बाद आपको क्रेटा में भी देखने को मिलेगा। सो क्रेटा एंड ट्यूसॉन विल बी द टू ऑफरिंग्स फ्रॉम Hyundai जो कि ADAS सपोर्ट करेंगे इन द इंडियन मार्केट। अब देखिए ये कुछ मेन मेन चीज़ें मैंने बताई। अब चौथी चीज़ है भाई, इनमें मिलने वाले इंजन ऑप्शंस, 2 लीटर पेट्रोल एंड 2 लीटर डीजल। अब देखिए डीजल 185 bhp जनरेट करता है, पेट्रोल वाला 154 टू 160 bhp। पेट्रोल वाला वही है जो अल्कज़ार में देखने को मिलता है और आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, और डीजल वाला CRDI 4 सिलेंडर डीजल इंजन है जो कि बहुत अल्ट्रा स्मूथ एंड अल्ट्रा रिफाइंड इंजन से एक है Hyundai का। और ये सारे इंजन BS6 कॉम्प्लाइंट है और मतलब कि एमिशंस के तौर पे इन गाड़ी को अच्छी तरीके से तैयार किया गया। सो गाड़ी बहुत अच्छी है, इट्स क्वाइट पावरफुल एंड पेपी है। इंजन जो पेट्रोल वाला है वो नेचुरली एस्पिरेटेड है, डीजल वाला टर्बोचार्ज्ड है। तो देखिए माइलेज डीजल में भी अच्छा निकलेगा, पेट्रोल में आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा बहुत ठीक ठाक मिलेगा एज कम्पेयर टू द टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, ठीक है, लेकिन तेल तो पिएगा ना फिर भी। तो ये बात हो गई अबाउट द इंजन्स, इंजन्स बहुत अच्छे हैं। एंड इवन गियर बॉक्स जो आपका मैनुअल गियर बॉक्स है, इवन द ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, वो आपको दोनों ही मॉडल्स में मिलेगा, चाहे पेट्रोल मॉडल और डीजल हो। लेकिन डीजल मॉडल के साथ आपको एक एक्स्ट्रा चीज देखने को मिलेगी जो कि है द ऑल व्हील ड्राइव सेटअप। अब देखिए ये सिर्फ डीजल मॉडल के साथ अवेलेबल है, नॉट विद द पेट्रोल वन, सो बैड लक फॉर द पेट्रोल ओनर्स। लेकिन डीजल भी Hyundai की यार जबरदस्त है, मतलब एक नंबर रन की गाड़ी है, ठीक है ना। तो ये तो हो गए अबाउट द ट्रांसमिशन ऑप्शन। अब देखिए प्राइसिंग में थोड़ा मैं बोल दूँ डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, प्राइसिंग के मामले में डिफरेंस आएगा जो कि है नंबर 5 जो मेरी चीज़ है। प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा डिफर करेगी, क्रेटा जो कि 21 से 22 लाख की अभी पड़ रही है ऑन रोड, जो कि आफ्टर फेसलिफ्ट 23-24 लाख की हो जाएगी, और जो आपकी अल्कज़ार है वो भी इसी रेंज में आती है, आसपास ही 24-25 लाख के अंदर ही अंदर आ जाती है। लेकिन ये गाड़ी उन सारी गाड़ियों से महंगी है, मतलब 30-32 लाख के रेंज में ये जाती है फॉर द टॉप एंड मॉडल। आप अगर आप पेट्रोल लोगे तो शायद थोड़ा कम पड़ेगा, 1-1.5 लाख रुपए कम पड़ जाएगा, लेकिन डीजल थोड़ा महंगा पड़ेगा। और उसमें अगर आप ऑटोमेटिक 4-व्हील ड्राइव मतलब ऑल व्हील ड्राइव वाला सेटअप लेते हो तो वो थोड़ा हायर साइड पर जाएगा। तो गाड़ी अच्छी है लेकिन थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा भाई, अगर आपको फीचर्स चाहिए एंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ SUV अगर आप देख रहे हैं इन द मार्केट, देन Hyundai Tucson इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गो विद। अब देखिए ये जो मेजर टॉप 5 रीजंस हैं वो मैंने बता दी इस गाड़ी को खरीदने के, लेकिन ठीक है जिनके पास पैसों की कमी नहीं है ना वो आराम से ले सकते हैं। जीप कंपस, जीप मेरिडियन, Citroen C5 हेयर क्रॉस, इन जैसी गाड़ियों से अगर आप बिल्कुल इन जैसी गाड़ियों तरफ अगर आप देखना भी नहीं चाहते देन Tucson विल बी अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर। ये मेजर पॉइंट्स ऑफ द वीडियो। सो बताइएगा जरूर कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके जाइएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, ठीक है, मिलता हूँ नई वीडियो में, चल रहे टेक केयर एंड बाय बाय, और इस वीडियो को एंजॉय करिए, ओके, और अपने फीडबैक भी जरूर दीजिए कि आपको कैसी लगी भाई Hyundai Tucson। थैंक यू एंड धन्यवाद, मिलूंगा बहुत जल्द, शब्बा गया।